हाय फ्रेंड, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में दिखाना चाहता हूँ कि जो कमिंस इंजन में सेफ्टी का काम करता है। जैसे कभी हमारा रेडिएटर चोक हो जाता है, उस केस में हमारा इंजन ओवर हीट होने लगता है। जब ओवर हीट होता है तो कभी कभी तो कूलेंट बाहर फेंक देता है और इंजन सीज होने की चांसेस अधिक हो जाती हैं। तो उस सीज होने के लिए, उसको उनको बचाने के लिए हमने जो है एक सेफ्टी का प्रयोग किया करते हैं हम लोग। उस सेफ्टी का नाम है हाई वाटर टेम्परेचर सेफ्टी। उस सेफ्टी से जो है इंजन जिस समय ओवर हीट होगा तो वो इंजन को जो है सेटअप कर देता है। और उसका हम आपको फोटोग्राफ दिखा रहे हैं। ये इसका फोटोग्राफ है जिसकी वजह से इंजन जो है सेटअप हो जाएगा। और इसकी सीरीज जो है हमेशा सीरीज में लगती है। इसकी ये है, इसमें देखिए एक NC है और एक NO है। और जब हम इसकी वायरिंग करते हैं तो ये कॉमन पॉइंट और ये NC ये दोनों पॉइंट पे हम वायरिंग करते हैं। जब ये वायरिंग कंप्लीट हो जाता है फिर उस केस में और इसी के थ्रू हमारा जो है शट डाउन वाल्व से जो है इसमें कनेक्शन होता है। जिस समय इंजन ओवरहीट होता है और इसे जो है हम अधिकतर वाटर मैनिफोल्ड, जिसको हम वाटर रेल भी बोलते हैं, वो जहाँ पे जो रेडिएटर में जिस समय आउटलेट जाता है वहाँ पे हमारा थर्मोस्टेट के ऊपर जी जो है ये सेफ्टीज हमारी लगती है। और जिस समय इंजन ओवरहीट होता है उस केस में हमारे नीचे से जो है वो वैक्स ओपन होता है और वो धीरे धीरे वो जाके जो है जो हमारे सर्किट जो NC में क्लोज होता है उसको वो ओपन कर देता है। जब ओपन कर देता है तो हमारे जो शट डाउन वाल्व के ऊपर जो कॉइल लगी होती है उसे वो कटअप कर देता है। जब वो कटअप कर देता है तो हमारा इंजन जो है सेटअप हो जाता है। उस वजह से हमारी जो है इंजन की सेफ्टी हो जाती है। और ये सिस्टम जो है लगभग सभी इंजनों में होता है, चाहे ये कमिंस के जनरेटर में हो। अधिकतर ये जनरेटर में यूज़ किया जाता है क्योंकि इक्विपमेंट में यूज करने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर इक्विपमेंट कहीं इंक्लाइंट पे अगर चल रहा है तो उस केस में अगर ये इंजन सेटअप हो गया तो फिर उसको उतारना या चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे जो है मैक्सिमम हम अधिकतर जनरेटर में ही यूज करते हैं। अगर दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के बाद जो आइकन आती है बेल की, उसको भी आप क्लिक कीजिए ताकि जिससे भी हो कि अगर हम कोई नेक्स्ट वीडियो डालते हैं तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।